से हम दा मुंह है अभी कोई पैगाम देंगे ऐसे नहीं पाल साहब। बस वो ने कहे जो है ना छरे उनकी शादी करवा ले जल्दी जल्दी जो है ना। फखर महसूस करना डटुआ च फिर के कहना मैं तुहानू वड्डा तो दखजम स्तो नमजे एकड़ी फाट सी मारी जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज वीपीएल मशहूर सुसरा। नाजरीन अवानों के अंदर अब अवाम की बात तो हो नहीं रही, अपोजिशन के लीडर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि इंटरटेन कर रहे हैं। आर यू कॉमेडी मी? ऐसे इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं अपने चार वजीरों के साथ सफर कर रहे थे जहाज के अंदर, तो उन्होंने कहा अगर मैं 5,000 का नोट नीचे फेंकूंगा तो क्या लोग खुश होंगे। उन्होंने कहा जिसको मिलेगा वो बंदा खुश हो जाएगा, ये मुराद सईद ने कहा। अब फैसल वाडा साहब ने कहा कि क्यों ना मैं भी बाजी ले जाऊं कि मैं भी खान साहब को खुश कर दूं। उन्होंने कहा खान साहब अगर 5,000 का आप 1,000 के नोट फेंकेंगे तो 5 बंदे खुश हो जाएंगे जिनको मिलेंगे। फिर साथ बैठे हुए थे अपना गंडापुर साहब ने कहा कि अगर आप 500 के नोट फेंकेंगे तो 10 बंदे खुश हो जाएंगे। तो खान साहब बड़े परेशान हुए, फिर आगे चले गए तो एक और साहब बैठे थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने क्यों क्या मैं तीनों से बाजी लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा आप 100 के नोट फेंके और नीचे जिनको मिलेगा कितने लोग खुश हो जाएंगे, 50 बंदे खुश हो जाएंगे। तो जहाज जो सर्विस बॉय था जहाज के अंदर, उसने उन चारों से कहा कि भैया इमरान खान को ही नीचे फेंको ताकि पूरी कौम खुश हो जाए प्लीज। ये अच्छा ये कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, लतीफा सुना रहे हैं। आइए लोगों से पूछते हैं कि अवानों के अंदर ऐसी बात होनी चाहिए, लतीफे सुनाने चाहिए या अवाम की बात होनी चाहिए। मेरे साथ रहिए। कमाल सेलमैन है यहाँ पर जी, इधर आ जा। की गल है, कैमरे को क्यों डरना है? हैं कैमरा तेरा अबू है, डर जा रहे हैं। अबू को भी नहीं डरता, अबू को भी नहीं डरता। तो दखजम स्तो नमजे एकड़ी फाट सी मारी जी। समा रोड़ा दा जमा कर रहा है एहसन इकबाल जमा दा म्याना दा असम्बली दा रोड़ा दा लतीफा दा सुनाए दा क्वाइट मेरा वीरन सी की पति आपने तगड़ मगड़ बोल दिया आपस में बस। वो तो बिल्कुल बेवकूफ वाले काम है, कोई उनके पास टीम ही नहीं है। टीम होती ना ऐसी बातें होती ना। ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਬੈਠੇ? ਆਹੋ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਬਾਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਣ। ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਛਤੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਲੈਣੇ? ਦੇ ਦੋ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਸਲੋਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਗਾ। ਸਲੋਰ ਗਾ? ਸਲੋਰ ਲੱਖਾ। ਸਲੋਰ ਰਾਗਾ ਨਾ ਨਾ ਜ਼ੂ ਬਸ ਜ਼ੂ। अपोजिशन जो है वो लतीफे सुनाने लगी, अब तकरीरें उनके पास खत्म हो गई हैं। वो तो बेकार है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उन्हें क्या इमरान खान थले छोड़ दो तो पूरी कौम खुश हो जाएगी, ऐसी बातें करनी चाहिए? किसी को भी नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। हम एहसन भाई को जनाब यही पैगाम देंगे, किसी की जात पे कोई तनकीद ना करे। ऐसी बातें ऐसे लतीफे अवानों में सुनाने चाहिए? नहीं बिल्कुल। अवाम की बात करनी चाहिए, अवाम की बात करनी चाहिए, अवाम की बात करनी चाहिए। तो कोई पैगाम दे एहसन इकबाल साहब को? नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, वो खुद ही एक नेक बंदे। क्या मसला हो गया? मुंह आपका बड़ा हो गया, कान छोटे हो गए? बस तो सुतो ना, देख लेना वो जान वो देखा खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। अब मैंने आपको देख लिया। अच्छा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदला? मैंने आपको देखा तो पहला चीज है अपने आप को खरबूजा समझ रहे हो? मैं तुम्हें समझे मैं रंग बदले। अच्छा तो फिर रंग बदले वो तुसी जानवर ना गिलट जानवर देना कलर बदल जाता, वो कलर चेंज कर। ऐसी बातें करनी चाहिए एज ए इंसानियत? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं करनी चाहिए। तेरे कान नहीं बदे? बस यही ना, सही गल है। अगर इमरान खान के भी कान खींचे हम देखने तुम्हें कान उसका एक छोटा एक उसका। इमरान साहब ने लतीफा सुना दिया ना कि जी इमरान खान को जहाज से नीचे फेंक दो तो पूरी कौम ही खुश हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, उनको अवाम का साथ देना चाहिए, अवाम के हक में जो है वो उनके बात करनी चाहिए। ये तो अवाम के हक में बात जी जी बिल्कुल सही बात है। मतलब भाई दा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਂਟ ਗਈ ਏ ਸਿੱਧੀ ਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋ ਪਾੜ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਸੈਸ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ऐसी बातें करनी चाहिए असेंबलियों के अंदर? ये गलत गाना बात है कि कॉमेडी करनी चाहिए थी, स्टेज मतलब स्टेज बना दिया, सुगल मेला करना चाहिए। एहसन इकबाल साहब का ऐसे बयान आप देना चाहिए, लतीफे सुनाने चाहिए कि आवाम की बात करनी। वो पता क्या बात है, वो भी फ्री है आजकल, सारे फ्री हम देखे गपशप लगा रहे हैं इसी तरह, वो भी फ्री है, वो हिसाब है बस, और कुछ भी नहीं करना। जब बंदा फ्री होता है ना कुछ अजीब सोचता है इंसान, जब कमरे किसी को बंद कर देना वो पागल हो जाता है, वो पागल हो गया बस यार। वेल डन।
पे पैगाम देंगे हसन इकबाल साहब? बस वो ने कहे जो है ना छड़े उनकी शादी करवा रहे जल्दी जल्दी जो है ना बाबा छड़े वो बहुत परेशान है लोगों के बारे में सोचे आप। और वैसे भी जो खान साहब भी है बाद वो भी बड़ी बातें वगैरह कर देते हैं समय ले, वो भी कॉमेडी करते हैं, वो भी उनकी बातें सुन सुन के हम हंस पड़ते हैं। किधर लेकर जा रहे हैं भैया? ये बेच रहा हूँ भाई। बेच कहाँ रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? मार्केट में। ये क्या है बताए ना? पुलाव है, शामी टिक्की है। शामी टिक्कियां कमाल हो गया, छोड़ दो समझ लो सारिया दे पंजा दवा बाद आ जा तू ले जा यार वैसे ले जा। फखर महसूस करना डटुआ च फिर के कहना मैं तुम्हें वड्डा क्या हाल है अल्लाह मजाक नहीं करना मैं तुम ठीक है नहीं कर अल्लाह माफी दे तेरे नालों वड्डी डम्मी लाई तू क्या तेरा मारो डम्मी वाला तेरा ही है। हसन इकबाल साहब को आवाम की बात तनकीद तो होती है, ये क्या है लतीफे नहीं सुनाने आवाम की बात अच्छा है या बुरा है वो आखिर हमारा सर बुरा है। हाय हाय क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। पांच उंगली एक जैसी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हर इंसान एक जैसा नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके ऐसी बातें ना करो जी इकबाल साहब आपकी मेहरबानी। बिल्कुल सही बात है, तू खा टिक नहीं अच्छा तो परेशानी ले सुना दियो आपा चाहे कभी नहीं मचा। अच्छा ताऊ आ हां ताऊ है मतलब ताऊ जी बे बाबी जी मक्खन बोले आ जा हाथ बत्ती आई भी होवे तो तेरा मुंह देख के यही लगता कि गई है असली भी तू ही है। दिल आजारी वाली बातें करनी चाहिए, लतीफे सुनाने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना, क्या होना चाहिए बताएं आप? बस ने कह दिया बस की मर्जी, उसकी मर्जी जितने मुंह नहीं बातें। आवाम की बात करनी चाहिए या लतीफे सुनाने चाहिए असेंबलियों में? ओनो कहा थे लतीफे आंदे नहीं चुन गए ओनो तुझे ले गए। तो यार हसन इकबाल ऑपोजिशन में नून लीग के लीडर हैं। अच्छा हां तो वो लतीफे सुना रहे हैं वहां पर? नहीं ना आ रहा सुना रहा है? नहीं ना आ रहा तो ख्वाबा ही आ रहे। जहाज से नीचे फेंक दिया जाए यार ये इस तरह की बातें करते तो सही है, फेंक देना चाहिए तो हमको तो एक दफा खुश करना ही चाहिए ना किसी ना किसी को। ऑपोजिशन के अंदर लीडर्स को आवाम के बारे में बातें करनी चाहिए या लतीफे सुनाने चाहिए? लतीफे दिल लगा ही रखना चाहिए ना उन्हें, अब वहाँ पे कोई इस लिहाज से तो बात नहीं ना उन्होंने करनी कि ये यहाँ पे ये हो रहा है इस मुल्क में ये हो रहा है तो हमें ये तरक्की करनी है। उन्होंने अब जो अपना काम है वो अपने आप को शो तो कराना ना कि हम भी मरासी हैं भाई। लोगों के कमेंट्स आपने सुने हैं नाजरीन कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है महंगाई है बड़े हालात ख़राब हैं जो कुछ भी है तनकीद बराए तनकीद होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो किसी की दिल आजारी हो। बहरहाल जो कुछ भी है आपको हंसाने के लिए होता है, आपके चेहरे पे हंसी लाने के लिए होता है, हम आपके आंसू चुराने होते हैं और आपके चेहरे पे हंसी देनी होती है। हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें, और मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है टन।